आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मणिपुर के पहले चरण में 38 सीटों पर वोटिंग जारी। सीएम वीरेंद्र सिंह ने वोट कर किया जीत का दावा। प्रधानमंत्री मोदी आज पीएम गतिशील पर DPIIT हितधारकों का बैठक लेंगे। भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया से रवाना हुई 5वीं उड़ान, पोलैंड सीमा पर लगाई गई 10 बसें। सीएम भूपेश बघेल ने की केंद्र से अपील, कहा यूक्रेन में फंसे छात्रों के घर वापसी के लिए विमान संख्या बढ़ाई जाए। रूसी सेना को रोकने के लिए सड़कों पर उतरे यूक्रेनी लोग, सेलिब्रिटीज से लेकर आमजन तक ने उठाए हथियार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी दल अपने मिशन को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में बलरामपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पहुंची, जहां उन्होंने बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा में प्रत्याशी शैलेश सिंह शैलू के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी सरकार है जो लोगों को अपना समझती है और उसका एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसके बाद अनुप्रिया पटेल ने सदर विधानसभा में पहुंचकर राज्य मंत्री पलटू राम के समर्थन में वोटरों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 3 मार्च को कमल का बटन दबाइए कि विरोधी दल भाग जाए और फिर चुनाव लड़ने की हिम्मत ना करे। ईवीएम का बटन दबने से पहले ही चुनावी परिणाम की घोषणा कर देता है अनौपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से तो आप बटन दबाएंगे, 3 तारीख तक शीलू भैया को रुकना पड़ेगा और उसके बाद 10 मार्च के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं तो आश्वस्त हूं आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर, और संख्या तो एक चीज होती है, शैलू भैया ले आए होंगे आपको वो अलग बात है, लेकिन उत्साह तो ये आपके अंदर नहीं भर सकते, तो जो उत्साह आपका नजर आ रहा है उससे आपने इस पर तो अपना ठप्पा लगा दिया है। खबर कुशीनगर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वह इस दौरान लीलावती देवी स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार अब फेल होती हुई नजर आ रही है, जबकि बीजेपी सरकार ने युवाओं को गुमराह किया है और यही युवा इस सरकार को इस चुनावों में सबक सिखाएंगे। देखिए, कुशीनगर की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार अपने बेटे को जिताना है और बाहरी को भगाना है। कुशीनगर की जनता ने मन बना लिया है, कुशीनगर की जनता गांव-गांव इस बात की चर्चा कर रही है कि इस बार न पार्टी पर, न जाति पर, न धर्म पर, इस बार कसिया के बेटे के कर्म पर के साथ पूरे जनपद में आपके नाम की चर्चा काफी जोरों पे है। मुख्यमंत्री जी ने आपका चर्चा भी हाजीनगर में भी किया है कि आप जो है यहाँ के बहुत युवाओं के और जो किसानों के नेता हैं, तो आप किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं? किसानों के लिए क्या, समाजवादी पार्टी तो वहीं से निकली हुई है, किसान आंदोलन से ही समाजवादी पार्टी निकली है। तो कहा जाता है कि भुसराया हुआ हसुआ भी होता है तो अपने ही ओर खींचता है, और ये हसुआ तो यह हसुआ तो धारदार है, भुसराया नहीं है, ये धारदार हथिया है, हसुआ है। इसलिए निश्चित तौर पर यह हसुआ जो है किसानों के हित में, किसान की फसल काट के और उसका उचित मुआवजा, उचित मूल्य दिलाने का काम करेगा और किसानों से जुड़ी हुई हर समस्याओं को दूर करने का काम समाज।
खबर बलिया के बैरिया से है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जो भूमिका निभा रहे हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। भारत हमेशा शांति का पुजारी देश रहा है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने ना तो कभी दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया और ना ही दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया। हम चाहते हैं कि विश्व शांति के लिए सभी सिद्धांतों को माने। गोरखपुर में बीते शनिवार जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने दावा करते हुए कहा कि हाथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नींद उड़ाए हुए है, क्योंकि वो अपने भाषण में हाथी का जिक्र करते हैं। आगे उन्होंने लोगों से सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके मठ में वापस भेजने का आह्वान किया और बीजेपी पर कानून व्यवस्था के नाम पर केवल मुस्लिम माफिया को देखने और गैर मुस्लिम माफिया की अनदेखी करने का आरोप लगाया। खबर मिर्जापुर से है, जहां जमालपुर में पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की नए अंदाज में चुटकी ली। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि अखिलेश जी ने मेरे नमस्ते का जवाब तक नहीं दिया। मैंने तो एक सभा में बस इतना ही कहा था कि मोदी जी योगी जी घर घर नल से जल पहुंचाना चाहते हैं और अखिलेश भैया टोटी वापस कर दो। बस इतने पर ही अखिलेश यादव गर्मा गए। अभी आपने अखिलेश की चर्चा की, आपसे अखिलेश दिखे हैं और आपने उनसे कुछ मांगा भी है, और अखिलेश से क्या हुआ था? अब देखिए, कमाल की बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को बुलडोजर बाबा कहने लगे हैं लोग, क्योंकि उन्होंने लाखों ऐसे लोगों को जिनका माफियाओं ने कब्जा किया, उनके ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया, उनको राहत दिया, और अखिलेश जी को लोग टोटी चोर कहने लगे। हम नहीं कहे, ये जनता कह रही है, तो ये तो एक इशारा है। देखिए, अलीगढ़ मुकीमपुर क्षेत्र के गांव कमालपुर में ससुराल से मायके पहुंची युवती का संदिग्ध परिस्थिति में खेत में शव मिला, जिसके शरीर पर चोट के निशान भी देखने को मिले। वहीं इस पूरे मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटनास्थल की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो आपको बता दें कि अलीगढ़ में युवती का शव खेत में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जबकि युवती ससुराल से मायके पहुंची थी। वह इस पूरे मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे घटनास्थल की जांच पड़ताल में जुट गई है। बेटी की शादी कब हुई थी? यह है कि चौथा महीना चल रहा है। कितनी तारीख में हुई थी, कौन से महीने में? अब तो हम बांध पड़ा आदमी हैं। अच्छा, इनके पति का गांव कौन सा है? कहाँ पड़ता है ये? लदवा मिल है, हैदराबाद में। तो ये कहाँ मिली आपको, कब तक आपके साथ थी? वही तो 8 बजे सो गई है, 8 बजे थी, फिर हमें मालूम ना पड़ी। आपको कब पता चली ये घर नहीं है? मैं तो जब देख बाहर सवेरे मालूम पड़ी जब कार खोली है कि घर में नहीं है। हाँ। फिर कहाँ ढूंढा आपने, कहाँ मिली? देखिए, वहाँ खेत मिली है। फिर किस हालत में थी? भरी बिल्कुल। यहाँ कब आई थी लड़की? कल आई थी। कौन छोड़ने आया था? भाई छोड़ने आया था, नीचे वाला। अच्छा, आपको सूचना कब मिली इस बारे में? सवेरे मिली है 6 बजे। कोई परेशानी तो नहीं थी? कोई परेशानी नहीं थी। खुश रहती थी? खुश रहती थी, खुश आई थी कल, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आप पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से जांच की जाए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाँ। तो पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया आपको? कुछ नहीं दिया, अभी नहीं दिया कुछ। अभी बात नहीं हुई है पुलिस से आपकी? खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी बॉर्डर थाना के टीला शहबाजपुर गांव के प्रॉपर्टी डीलर ने बीती 13 फरवरी को अपने साथियों से परेशान होकर जहर खा लिया था, जिसके उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। वह इस दौरान मृतक ने सुसाइड नोट में अपने 6 साथियों का जिक्र करते हुए लिखा था कि उसने दोस्तों को पैसा वापस कर दिया था, जिसके बावजूद उसके दोस्तों द्वारा लगातार उसे टॉर्चर किया जा रहा था। जिसके बाद अब परिवार का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
खबर मैनपुरी से है, जहां बेवर के कई बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनके परिजन लगातार मोदी सरकार से बच्चों को भारत वापस बुलाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। वह इस दौरान बच्चों के परिजनों ने बताया कि वो अपने बच्चों से लगातार वीडियो कॉल के जरिए संपर्क बनाए हुए हैं, जिसके बाद यूक्रेन में फंसे छात्र कार्तिक के घर पहुंचे चेयरमैन सरिकांत भाटिया ने परिवार से मिलकर छात्रों को जल्द बुलाने की बात कही। तो वहीं आपको बता दें कि आज यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध छिड़ा है, उसका पांचवा दिन है, जिसके बाद लगातार जो यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे हैं वो मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। भारत वापसी के लिए लगातार छात्रों और उनके परिजनों द्वारा गुहार लगाई जा रही है कि वो जल्द से जल्द उनके बच्चों को वापस बुलाएं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, मेरे भाई का नाती जो है वापस आ हुआ है यूक्रेन में जी, खार्की में पढ़ रहा है, मेरी बेट की सेकेंडरी है जी। किस विद्यालय में पढ़ रहा है? खार्की यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम कार्तिक गुप्ता। कब से वहाँ पढ़ रहा है? ये दूसरी साल है। दूसरी साल है। कब आपकी बात हुई थी? बात उसे आज भी हुई है। मैंने वापसी आने का कोई, अभी जो सरकार जब मतलब कोई व्यवस्था करेगी तभी तो आ पाएगा। सरकार से कोई अपील करेंगे आप? सरकार से यही अपील करेंगे बच्चे। रूस की राजधानी मॉस्को में संपन्न हुई मॉस्को यूशु स्टार चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर की सादिया तारिक के स्वर्ण पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। वहीं मेरठ की नैना चौधरी ने भी रजत पदक जीतकर मेरठ और देश का नाम रोशन किया। नैना के पिता मनोज रोडवेज में बस परिचालक है। नैना ने लगातार जूनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। तो आपको बता दें कि रूस में एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें भारत की बेटियों ने जीत दर्ज करके रूस में भी भारत का परचम लहराया है। खबर संबल से है, जहां परन रौली से आगे सराय अड्डे पर एक गरीब व्यक्ति पकौड़ी का ठेला लगाता था। एक बुलेट सवार ने पीछे से युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही ठेले वाले की मौत हो गई। जब मृतक के गांव सरथल खेड़ा में सूचना मिली तो परिवार में हड़कंप मच गया। अब उस परिवार के ऊपर संकट खड़ा हो गया है कि सरकारी अस्पताल में पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। तो आपको बता दें कि संबल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक गरीब जो बड़ी मुश्किल से ठेला लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता था, उसको एक बुलेट सवार ने टक्कर मार दिया। अब उस परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। गांव में थे जी, तो हमें पता लगा कि हमारे गांव की मोटरसाइकिल चंदोसी से जा रही थी जी। उसने देखा कि ये पकौड़ी वाले तो हमारे गांव के ही हैं जी। बुलेट से ये टक्कर मार के वो नीचे पड़े हुए थे ये जी। और तब गांव को फोन करा, हम गांव से गाड़ी लेके अपनी और आए। प्रताप कितनी उम्र रही होगी इनकी? इनकी है 45 से 46। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।